$65 पर टास्क, इसको अगर हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना INR में आता है, तो ये अराउंड हो गया 4,800 रुपए एक काम का। सो ये कौन सी वेबसाइट है, कैसे काम करती है, इस बारे में सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, और ये कितना सही तरीका है, क्या कमियां है, क्या पॉजिटिव्स है, हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिसर्च आते हैं डेटा के बारे में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इस इंडस्ट्री में ये होने वाला है, या फिर स्टडी की गई 50 लोगों पर और उससे ये पता लगा कि ये फला फला चीजें खाना पसंद करते हैं। इस तरह का बेसिक जो डेटा आपको न्यूज़पेपर वगैरह में दिखता है वो आता कहाँ से है? इसके लिए क्या होता है, कुछ कंपनियां होती हैं जिनको हम रिसर्च एजेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मुझे एक सामान बेचना है 13 साल के बच्चों को, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि 13 साल के बच्चे किस तरह के कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब वो कोई वेबसाइट देखते हैं। तो मैं आपके पास आया, आपकी एक ऐसी ही रिसर्च की कंपनी है, तो आपने मेरे लिए एक क्वेश्चनेयर या किसी तरह का एक क्विज टाइप का डिजाइन किया, जो आपने इस एज ग्रुप के बच्चों को भेजा और आपने वो डेटा स्टडी किया। फिर आप मुझे बताओगे कि इस तरह का कलर बच्चों को ज्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चों को डेटा दिया गया और 60 बच्चों को नीला कलर पसंद आया। इस तरीके से डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल हर फील्ड में, और आप जो भी ऐप यूज करते हैं आप हमेशा अपना डेटा दूसरे को दे रहे होते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना डेटा को ही यूज करके आप खुद भी कुछ पैसे कमाएं। वैसी ही एक वेबसाइट है appen.com, जहां पर सर्वेज आते हैं ऐसी ही बड़ी बड़ी एजेंसियां जो अपना कोई प्रोडक्ट चेक करना चाहती हैं या फिर कुछ ट्रांसलेशन करवाना चाहती हैं, वो प्रोजेक्ट यहाँ पर पोस्ट करती हैं और हम आप कोई भी इस पे अप्लाई करके, अमाउंट बहुत बड़ी नहीं होती, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट स्टिल अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो गुड इनफ पॉकेट मनी बन सकती है इस वेबसाइट के थ्रू। सिंस मुझे टीचिंग पसंद है, तो मैं बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक मैं आपको तरीका रास्ता दिखाऊंगा यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ आप भी ट्राई करिएगा इसको खुद से अटेम्प्ट करने का। उसके बाद जो डिफिकल्टी आएगी उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा गिवन नंबर्स पर अवेलेबल रहता हूँ। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये नंबर ओपनली आपको दिया है कि आप किसी भी हेल्प के लिए मुझे हमेशा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा सिंगल और सोल पर्पस इस चैनल पे रहने का बस वही है कि मैं मदद कर सकूं लोगों। तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप 18 के ऊपर होने चाहिए, अकाउंट आप अपना बना लीजिए। सो इस प्रोसेस को मैं यहीं पे रोकूंगा अकाउंट बनाने वाला, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप खुद से ट्राई करो, अकाउंट बनाओ, डिफिकल्टी फेस करो, फिर उससे रास्ते निकालो। नहीं निकाल पाओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा अकाउंट बनाने में, आई हैव दैट प्रॉमिस विथ यू। मैं अकाउंट बना चुका हूँ पहले आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो मैं साइन इन पर जाऊंगा, अकाउंट में लॉग इन करके दिखाऊंगा किस तरीके के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। सो मैंने लॉग इन किया। वीडियो का मेन एजेंडा पहला था कि आप खुद से अकाउंट खोलने का ट्राई करेंगे, मैं आपको गो थ्रू करूंगा प्रोजेक्ट्स किस तरीके के होते हैं यहाँ पर, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट इन नंबर्स पर। अकाउंट ओपनिंग में आप ट्राई करिए, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। आप लॉग इन करते हैं तो आपको ये कुछ कॉलम दिखते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट टाइप क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपको कुछ सुनाई दिया, आपने कुछ सुना या फिर देखा, उसको आपने लिख के दिया स्क्रिप्ट के फॉर्म में, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद रेट लिखा होता है, पर टास्क लिखा हुआ है, कुछ में पर टास्क होगा, कुछ में पर आर होगा, ये आप देख के ही आगे बढ़िएगा। टास्क वर्कलोड एवरेज, अगर इस पे आप टास्क वर्कलोड पे एक लेफ्ट क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे वेरी लो है वर्कलोड, उल्टा कर देते हैं इसको, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो हो जाएगा। सेम गोज फॉर द रेट, मैंने पहली बार क्लिक किया तो सबसे लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट की तरफ ही बढ़ते हुए ऑर्डर में रहेगा, मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर माई प्रोजेक्ट अगर आपको दिखाऊं तो ये एक प्रोजेक्ट है हॉकेट, जहां मैं काम कर रहा हूँ अभी, इसके चार्जेस ये हैं। ये बस ये दिखाने के लिए है कि आपको इस टैब में चेक करते रहना है, जब भी आपके हिसाब से कोई प्रोजेक्ट दिखता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डीकॉन्सेप्टलाइजेशन प्रोजेक्ट एक ट्रांसक्रिप्शन का है,
इसमें आप मोर पे जाके पढ़ सकते हैं कि करना क्या है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनोटेटर्स खोज रहे हैं ये, जो कुछ सेंटेंस रिव्यू करेंगे, आप कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ प्रोजेक्ट जो किए हैं उसमें आपको फेसबुक पे वीडियो देखने होते हैं 5-10 सेकंड के, उसमें नीचे ट्रांसलेशन आ रहा होता है लिखा हुआ हिंदी में, आपको रिव्यू करना होता है कि ट्रांसलेशन की जो भाषा यूज की गई है, जो ग्रामर वगैरह है, वो कितनी अच्छी है, उस पर आप फीडबैक देते हैं, उसका आपको पेमेंट मिलता है सीधा। ये वीकली लेवल पे प्रोसेस होता है कितना पेमेंट मिलना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अप्लाई पर, ये आपको नेक्स्ट विंडो में लेकर जाएगा। यूजुअली वो आपकी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद आपको बताते हैं कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, तो आप इसमें बस ऑनेस्टली अपनी प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल भरिए, सब कुछ डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक रखिए, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट आपको मैच करता है वही प्रोजेक्ट आपके पास आएगा। तो शुरुआत में आप ये बहुत ध्यान रखिए कि किस चीज को आप पसंद करते हैं, वही अपने इंटरेस्ट वगैरह में डालें। आप खुद से जाइए, मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया इस वेबसाइट का, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज पैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, बट 18+ 18-25 रेंज में स्टूडेंट्स के लिए गुड इनफ मनी है। सो प्लीज ट्राई दिस आउट और लेट मी नो अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द गिवन नंबर्स, जितना मुझे आता है उतना मैं आपसे शेयर करूंगा इस वेबसाइट के बारे में इफ नीड अराइजेस, एंड उसके बाद हम देखेंगे कैसे इससे आपकी मदद होती है। So please stay tuned and keep supporting the channel.